Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishpan. Today we are going to start with new chapter, that is chapter number 9, some applications of trigonometry. राइट बच्चे, हम चैप्टर 8 कर चुके हैं जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें किए थे. राइट, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे उस फंक्शन को करना है. राइट, रेशियोज कैसे होंगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने लर्न किया था. राइट, अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमने चैप्टर 8 में किया था उसकी एप्लीकेशन कैसे है. राइट, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है. राइट, सो बच्चे बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट मी टेल यू टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस चैप्टर में हमें आएंगी. फर्स्ट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे हम सीखते हैं. देखिए सिंपल सी चीज़ है बच्चे, व्हेन समबडी इज स्टैंडिंग राइट ऑन अ ग्राउंड, ऑन अ फ्लोर, वट एवर, एंड व्हेन ही और शी लुक अपवर्ड्स. ओके, सो दैट एंगल फॉर्म्ड व्हेन यू लुक अपवर्ड, that is angle of elevation. Right, when your eyes are above the ground. Okay, so that angle is known as angle of elevation. Fine bache, and opposite to it is angle of depression. Angle of depression is just opposite of it. It is when the person is standing and he or she is looking downwards. Okay, when he or she is looking downwards, so जब क्या होगा, या ठीक है उस टाइम पर he will be looking, his eyes will are not above, so तो उसका depression नीचे की तरफ आएगा. That is why this is angle of depression. अब बच्चे आप अगर जो इसमें देखो, let me draw one thing, मैं इसके ये line इसके parallel बनाती हूँ. तो हमने concept किया था when there are two parallel lines and a transversal is cutting, तो जो alternate angles होते हैं they are equal. The same way this angle will be equal to this angle, one is equals to angle two. Why? Because they are alternate angles of two parallel lines. Got it? So this is angle of depression जो हम नीचे की तरफ देखते हैं, and angle of elevation when we look upwards. All right बच्चे, ओके बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 9.1. राइट, आपकी इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अभी बच्चे मैं जो जो क्वेश्चन आपको करवाती जाऊंगी वो अच्छे से आपको करते जाना है. नोटिस करो, उनमें स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो, कैसे फिगर बनेगी, क्या उसमें निकालना है. ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई, देर इज नथिंग इन क्वेश्चन, सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा. राइट, सो firstly your examples 2, 3, 6 and 7, only 4 examples बच्चे, अच्छे से कर जाओ, आपकी एक्सरसाइज खुद हो जाएगी. राइट, सो नाउ स्टार्टिंग विद अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो इस एक्सरसाइज का आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर 2. कम डायरेक्टली टू इट. आपका बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Right? मान लीजिए आपका ये एक tree है, like this. Okay? This. Okay? ये यहाँ बीच से टूट गया, ये upper part, और ये यहाँ ऐसे गिर गया. Okay? Like ये tree जो था ये गिरा हुआ, ये है ये इसके पेड़. ठीक है, ये ऐसे गिर गया. Okay? सो देन नाउ जो इसका ये टॉप था, अब ये कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड को, मेकिंग एन एंगल 30 degree विद इट. यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, दिस इज योर 30 degrees. फाइन बच्चे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 meters. मीन्स जहाँ पर टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, जो ट्री का फुट है ये कितना दे रखा है आपको, 8 meters. Find the height of the tree. आपको tree की height बतानी है, ये पूरा tree कितना था, I mean this one and this, इन दोनों को plus करो, क्योंकि tree जब खड़ा होगा तो इस form में खड़ा हो जाएगा. Fine बच्चे, so let's name them, it's A, B and C. Right? So let's start our question. आपको जो जो चीज़ें given है वो हमने लिख दी हैं. यहाँ पर आपको बी सी गिवन है बच्चे, that is 8 meter. राइट, एंगल आपको गिवन है ए सी बी, कितना, 30 degrees, यही है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, द हाइट ऑफ द ट्री.
यही हमें निकालना है. हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल होगी, दिस ए बी प्लस ए सी, इसी के इक्वल होगी बच्चे. सो लेट्स डू. अगर हम ट्राइंगल देखें नाउ, इन ट्राइंगल ए बी सी दिस, बच्चे आपको जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे पिछले चैप्टर में, जहाँ पे भी आपकी रेशो होगी जो भी, लाइक दिस 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री किस में, किस चीज़ में हेल्प करती थी. ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, राइट. एंगल एंड साइड के बीच में, तो आपको एंगल गिवन है, एक साइड गिवन, आप सेकेंड निकाल सकते हैं. हाउ, सी दिस एंगल इज गिवन यू टेन 30 डिग्री. वाई आई हैव रिटन हेयर टेन, क्योंकि बच्चे आपको देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट. तो टेन होता है हमारा इज द साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट कोट. तो टेन क्या होता है हमारा, पी अपॉन बी. हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें एक साइड हमें गिवन होगी. यहाँ पर बेस गिवन है तो हम बेस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. बेस हमारा किस में आता है, टेन में, है ना. सो टेन 30 पी अपॉन बी. परपेंडिकुलर इसमें क्या है बच्चे, ये 90 डिग्रीज है, ये 30 है, तो बेस हमारा क्या हो गया, बी सी. परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, यही है बच्चे, राइट. सो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल से जो आपने याद की थी, 1:√3, यही होती है बच्चे. ए बी आपको फाइंड आउट करनी है एंड बी सी इज गिवन टू यू 8, फाइन, यही है बच्चे. अब हम 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8√3 आपकी क्या आ जाएगी, ए बी, मतलब आपका ए बी आ गया 8√3. सिमिलरली बच्चे अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, दिस हाइपोटीनियस. हाइपोटीनियस अब हम किससे यूज़ करें, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें. अब हमारे पास परपेंडिकुलर मिल गया हमें, एक साइड अब हमें ये मिल गया, तो साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लूँ. साइन एंगल वही रहेगा, साइन 30 क्या होती है, पी अपॉन एच, राइट. पी यहाँ पर क्या है, वॉट इज हेयर पी, परपेंडिकुलर जो भी हमने जस्ट फाइंड आउट किया, दिस ए बी, है ना. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. पी क्या है हमारा, ए बी. एच क्या है, ए सी. तो ए बी क्या है, 8√3, और एच हमें निकालना ही है, दैट इज ए सी, यही है बच्चे. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस वन एंड दिस वन में क्रॉस, ए सी इधर चला जाएगा, 8√3, 1/2 आपका क्रॉस में आ जाएगा, दैट इज 2/1. तो क्या हो गया, 16√3 हो गया बच्चे. ए सी आपका आ गया 16√3, ए बी आपके पास है, तो अब हाइट ऑफ ट्री निकालना इजी है. ए बी चाहिए आपको, ए बी कितना है, 8√3. ए सी कितना है, 16√3, प्लस करेंगे क्या आएगा, 24√3, राइट. अब 24√3 जब डिनोमिनेटर में रूट हो बच्चे, कभी डिनोमिनेटर में रूट मत छोड़ो, इसको रैशनलाइज किया करो, क्वेश्चन आपका तभी पूरा होगा. ओके, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √3, √3 ऊपर हो जाएगा आपका 24√3, और नीचे √3 × 3 इज 3, राइट. अब 3 से 24 कट जाएगा, योर आंसर इज 8√3. ओके, सो कोई आपसे अगर पूछे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 meters. परफेक्ट बच्चे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में. एंगल गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी, वो आपको एग्जामिन करनी है, वेदर इट इज बेस, परपेंडिकुलर और द अदर थिंग. जो आपको दूसरी चीज निकालनी है वो एक कॉमन फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि एक साइड गिवन होगी, जो निकालना है वो उसमें होगा. एंगल्स पुट करो, क्वेश्चन आपके सामने होगा. ऑल राइट, नाउ बच्चे कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके, आफ्टर 2 योर 3rd क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट योर क्वेश्चन सेज, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. ओके, देर आर 2 स्लाइड्स. सो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 meters. मीन्स जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्लाइड कितनी होगी, 1.5 meters हाइट पर, राइट. And then, and is inclined at an angle of 30 degrees. और जो वो ग्राउंड पर inclined है वो कितनी है बच्चे, 30 degrees. Got it? Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters. Obvious है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए height ज़्यादा रखी जाएगी,
दैट इज 3 meters एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है बच्चे, 60 degrees पर. यू गॉट इट? नाउ वॉट इट सेज, वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. आपको दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ बतानी है, ये चीज, दिस वन. ओके, सो लेट स्टार्ट आर क्वेश्चन बच्चे. सो वट आर क्वेश्चन सेज, दो स्लाइड है बच्चे पार्क में, छोटे बच्चों की एक बड़े बच्चों की है. इसकी हाइट 1.5 है, इसकी 3 meters है. स्लाइड आपको दे दी, लेट्स नेम दैम ए बी सी एंड दिस इज बी क्यू आर. दोनों स्लाइड्स की आपको क्या निकालनी है, इनकी हाइट निकालनी है. स्लाइड मतलब दिस वन, इंक्लाइंड वे में इनकी हाइट कितनी रहेगी. सो लेट स्टार्ट आर क्वेश्चन बच्चे. यू नो हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, ए सी एंड पी क्यू. ऑल राइट, सो लेट स्टार्ट. इन ट्राइंगल फर्स्ट हम बच्चे अपना ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, दिस वन. इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्योंकि ये 90 degrees है दोनों केस में. यू कैन सी दिस इज परपेंडिकुलर गिवन. आपको क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूस. सो डायरेक्ट वी यूज साइन फॉर्मूला, साइन 30 degrees. फॉर्मूला क्या होता है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा, ए बी. हाइपोटेन्यूस इज योर ए सी, राइट. सो लेट्स डू साइन 30 degrees इज 1/2. परपेंडिकुलर मीन्स ए बी कितना गिवन है आपको, 1.5. ए सी आपको निकालना है, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ बच्चे, ए सी उधर 1.5, 2/1 गिव्स यू 3. सो ए सी इज योर 3 meters. ईजी. द सेम वे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पर भी आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है. लेट्स यूज साइन फॉर्मूला. साइन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, 60 degree. जो आपको एंगल गिवन है वही यूज़ करना है, साइन 60 degree. अब देखिए साइन 60 degree में पी अपॉन एच आपका फॉर्मूला होता है, राइट. परपेंडिकुलर कितना गिवन है, दैट इज़ योर पी क्यू एंड पी आर इज योर हाइपोटेनियस. साइन 60 degree इज, वैल्यू ऑफ साइन 60 √3/2. पी क्यू क्या गिवन है बच्चे, 3 meters. पी आर यू हैव टू फाइंड. क्रॉस मल्टीप्लाई, पी आर को मैं उधर ले जाती हूँ, 3 एज इट इज इस साइड, ये इनवर्स में हो जाएंगे. ऑल राइट, सो सॉल्व कर दीजिए बच्चे, √3 √3 2√3, राइट. ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर √2 √3. देयरफॉर आपकी पी आर कितनी आई है, 2√3 meters. ओके, सो लेंथ ऑफ स्मॉल स्लाइड कितनी होगी, 3 meter, और जो बड़े बच्चों वाली स्लाइड है उसकी 2√3 meters. ऑल राइट, नाउ बच्चे अब आ जाइए अब डायरेक्टली ऑन क्वेश्चन नंबर 6. ओके, अब आपको बच्चे 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. 6th क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अ 1.5 meter टॉल बॉय, एक बॉय है दैट इज 1.5 meter टॉल. ओके, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 meter टॉल बिल्डिंग. एक 30 meter टॉल बिल्डिंग है बच्चे, ठीक है. ये उसके कहाँ खड़ा है, जस्ट at some distance. Now the angle of elevation from his eyes to the top of the building. उसकी eyes से top of the building पे, ऊपर ही देख रहे बच्चे, angle of elevation कितना हुआ, यहाँ base अब ये बनेंगे उसकी eyes के सामने वाला, तो that is angle of elevation of his eyes to the top of the building increases from, पहले होता है 30 degree, पहले कितना बताया आपको 30 degrees, and इट्स कम टू नाउ 60 degrees. जैसे जैसे वो पास आ गया बच्चे, बाई चांस वो यहाँ आ गया है, अब वो कितना हो गया एंगल, 60 degree. ओके, सो यू हैव टू टेल फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, दिस वन, ये कितना चला है वो. ओके, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चे, क्या कह रहे हैं कि वो एक उस पर मूव कर रहा है, राइट, और साथ में बिल्डिंग की तरफ देखता जा रहा है. ऊपर देख रहा था तब 30 degrees था, जब थोड़ा आगे चला तब 60 degree एंगल हो गया. ओके, देन लेट स्टार्ट नेमिंग कर देते हैं बच्चे. लेट दिस इज ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, है ना, दिस इज योर ई, इसको नेम दे देते हैं एफ, दिस इज जी एंड दिस इज लेट दिस इज डी. आपको एक्चुअल में क्या बताना है, सी डी, ये फाइंड आउट करना आपको, दिस डिस्टेंस कितना वो चला है. ये ऊपर वाली जो एरो है बच्चे, दिस इज फ्रॉम हिज आईज,
राइट। क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया बच्चे, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पर गिवन क्या क्या है, ईसी गिवन है 1.5, लो मैं इधर लिख देती हूँ, ईसी आपको गिवन है 1.5 मीटर्स। देन और क्या क्या गिवन है, ए बी आपको गिवन है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ए ई जी, ए ई जी 30 डिग्रीज एंड ए एफ जी 60 डिग्रीज, यही है बच्चे, राइट। नाउ अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो ई सी है, दिस ई सी, दिस इज पैरेलल टू, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, जी बी पैरेलल ही है ना, दिस 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 ई सी इज पैरेलल टू जी बी, देयरफॉर ई सी इज इक्वल्स टू जी बी। ये 1.5 है तो बच्चे ये भी 1.5 हुआ ना, राइट। नाउ अगर आप बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग पूरी कितनी है, ए बी है, लेट मी राइट हेयर, ए बी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग किस किस से बनी है, ए जी एंड जी बी से। ए बी कितनी दे रखी है आपको, 30, ए जी अगर हमें निकालनी हो तो हम उसमें से ये 1.5 माइनस करते ना, क्योंकि 1.5 बॉय की हाइट उसके साथ ही खड़ा है ना वो, सो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 28.5 आपका ए जी आ जाएगा, हाउ 1.5 इसमें से माइनस हुई। ऑल राइट, ये जो आपकी जस्ट दिस वन इज योर 28.5, क्योंकि होल 30 है। अब एक और चीज देखिए, ये जो ई एफ है, इज दिस पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, सो नाउ ई एफ जब पैरेलल हो गया सी डी के, तो देयरफॉर ई एफ इज इक्वल्स टू सी डी, राइट। ई एफ इज इक्वल टू सी डी एंड एफ जी, एफ जी वेर इज योर एफ जी, दिस वन इज इक्वल्स टू डी बी, क्यों बच्चे, द सेम रीजन, बिकॉज ये पूरी से पैरेलल है। ये बातें आपको समझ में आ गई, नाउ लेट्स मूव। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, दिस बिगर वन ए ई जी, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई जी। अब बच्चे ए ई जी में देखिए, आपको 28.5 गिवन है, आप ये ई जी निकाल सकते हैं, एंगल आपका 30 डिग्री है, पी गिवन है, बी निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज करें, टेन 30 डिग्री क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए जी, बेस क्या हो गया ई जी। ऑल राइट, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, टेन 30 क्या होता है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 28.5, ई जी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ई जी 28√3, 28.5√3, ई जी की वैल्यू पता लग गई बच्चे, 28.5√3। नाउ मूव टू अनदर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है अब हमारे पास, इन ट्राइंगल ए एफ जी, ए एफ जी में, ए एफ जी में भी हम सेम फाइंड आउट कर ले, परपेंडिकुलर वही रहेगी, बेस निकालेंगे, टेन 60 ले लेंगे, अब टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 28.5, बेस एफ जी, ओके, टेन 60 डिग्री क्या होगा अब आपका √3, 28.5 अपॉन एफ जी। ऑल राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे, एफ जी अबव 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपका, चलिए अभी इसको ऐसे रखते हैं, रैशनलाइज थोड़ी देर में करेंगे। अब आपको एफ जी भी आपके पास है, पूरा ई एफ भी आपके पास है, सॉरी ई जी, हम ई एफ निकाल सकते हैं जस्ट दिस पार्ट, हाउ, इस पूरे दिस पूरी लाइन में से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ई एफ कैसे निकालेंगे, ई जी माइनस एफ जी, राइट। ई जी क्या गिवन है, 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ओके, लेट्स माइनस
माइनस करके बच्चे देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, लो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। हम एलसीएम लेते हैं रूट थ्री, रूट थ्री ये वन है, वन की टेबल रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, 28.5 इंटू थ्री गिव्स यू 85.5 माइनस 28.5 राइट। सो अब आपका माइनस करके क्या आएगा, 85 में से 28 57 माइनस 57 बच्चे इसको माइनस करके आपका आया 57 अपॉन रूट थ्री। आई विल राइट फॉर यू हियर 57 रूट थ्री ओके। अब बच्चे 57 रूट थ्री मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट नहीं होना चाहिए, हम इसको रैशनलाइज कर दें, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। नाउ 57 रूट थ्री आपका न्यूमिरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर बिकॉज रूट थ्री, रूट थ्री मेक्स थ्री। अब बस मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, ये अप्लाई हो चुका है, हमारी आने वाली है कितनी उसने डिस्टेंस चला है, थ्री से कैंसिल, देयरफॉर 19 ये कैंसिल हो गया, 19 रूट थ्री मीटर्स, मतलब जो वो डिस्टेंस था हमारा ई एफ वो किसके इक्वल था हमारा बच्चे, सी डी के, और हमें सी डी ही निकालनी थी राइट। तो सी डी क्या आई, 19 रूट थ्री मीटर्स। ऑल राइट, लिटिल बिग थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो कोई बात नहीं, कीप इट गोइंग राइट। रूट थ्री आपको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, मतलब रूट का कुछ भी लेटर सॉरी नंबर आपको डिनोमिनेटर में छोड़ना, उसको रैशनलाइज करना है। ऑल राइट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ बच्चे हेयर कम्स योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ओके। सो व्हाट योर क्वेश्चन सेज बच्चे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एक टावर है, लेट मी ड्रॉ फॉर यू बच्चे, टावर एंड अ बिल्डिंग, ऑब्वियस है टावर हमारा बड़ा होगा बिल्डिंग छोटी होगी, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चे, लेट इट्स बी लाइक दिस, वेट इट्स लिटिल ओके बच्चे, तो ये कितना हुआ आपका 30 डिग्रीज राइट ओके। देन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है बच्चे, एंड टावर का टॉप ये है, यहां से कितना है आपका 60 डिग्री, यू गॉट इट। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, दिस इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यू हैव टू टेल दिस, ईजी, लेट नेम दैम, इट्स ए बी सी एंड डी। ऑल राइट, सो नाउ बच्चे अब हमें इनका एंगल दिखाना, दिस इज एज यू कैन सी 90 एंड 90, तो अब हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ऑल राइट, सो इन दिस क्वेश्चन वट वी हैव टू फाइंड इज ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, सी डी दैट इज 50 मीटर्स राइट, एंगल ए सी बी गिवन टू यू 30 डिग्री, एंड एंगल डी बी सी गिवन टू यू 60 डिग्री। ऑल राइट, अब बच्चे हमें ये फाइंड आउट करनी है, ये इसका बेस है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंग जो ये ए बी सी, इसमें तो हमें तीनों साइड में से कुछ गिवन ही नहीं है, वेयर एज इन डी बी सी हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है, अगर हम इससे ये बेस निकाल लें तो फिर हम इस ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं राइट। सो नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी में हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए राइट, और हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम क्या यूज करेंगे, टैन, एंगल कौन सा यूज होगा बच्चे, इस ट्राइंगल का एंगल कौन सा है 60 डिग्री, सो टैन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज योर डी सी एंड बेस इज योर बी सी। ऑल राइट, लेट पुट्स इट्स वैल्यू, टैन 60 डिग्री क्या होता है बच्चे आपका रूट थ्री, डी सी आपका 50 मीटर्स एंड बी सी यू हैव टू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी आपका इधर चला जाएगा 50 अंडर रूट थ्री। ऑल राइट, नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू इन
ट्राइंगल ए बी सी, राइट। अब ए बी सी में चेक करिए बच्चे, 30 डिग्रीज है हमारे पास, टेन 30 डिग्री, राइट। वही फॉर्मूला पी अपॉन बी 10 का होता है, परपेंडिकुलर इज हेयर ए बी, बेस इज बी सी। अब आपके पास बेस सी वैल्यू है, टेन 30 क्या होता है 1/√3, बी सी बच्चे पहले ए बी लिख लेते हैं हम ऊपर, और बी सी आपका है 50√3, यही है। डोंट गेट कन्फ्यूज कि डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन फॉर्म है, हाउ विल वी डू, बहुत ईजी है, ये इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिरेटर बन जाएगी। किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/√3 से, ए बी विल रिमेन दिस साइड। नाउ क्या होगा बच्चे, चेक हियर, 50 × 50, √3 × 3 = 3 इज इक्वल्स टू ए बी, ए बी आपकी आ गई है 50/√3 meters, सो ए बी आपने बोलना है हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/√3 meters, दैट्स योर आंसर। ऑल राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके बच्चे। सो नाउ बच्चे आफ्टर 9th टेक आउट योर बुक्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th, ओके। 9.1 का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th। सो बच्चे क्वेश्चन सेज, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, एक आपको बिल्डिंग गिवन है दैट इज 7 meter, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, वही सेम क्वेश्चन है, केबल टावर गिवन है बच्चे, उसका जो टॉप का टावर है दैट इज 60 degree, क्योंकि आप बिल्डिंग पे खड़े हो, ये 60 degree है जब आप बिल्डिंग से चढ़ के ऊपर देखते हो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट, टावर का फुट ये है, डिप्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, नीचे की तरफ देखना, तो दैट इज गिवन टू यू 45 degree। ऑल राइट बच्चे, यू हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको फाइंड आउट करनी है। सो ये इक्वल जगह खड़े हैं, और मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल साइड्स के क्या होते हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो ये आपका 45 degree हो जाएगा, राइट। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, नाउ लेट्स मूव टू इट्स सॉल्यूशन। नेमिंग कर देते बच्चे, दिस इज योर 90, दिस इज योर 90, दिस इज ए बी, राइट, सी, लेट इट्स योर डी एंड ई, ओके। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, आपको इसमें गिवन क्या क्या है बच्चे, ए बी इज गिवन टू यू हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 meter, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है दिस ई सी, राइट, ई सी आपको निकालनी है, एंगल ई ए डी आपको गिवन है, ई ए डी कितना 60 degree, एंड एंगल आपको ये गिवन है दिस, एक और एंगल गिवन है डी ए सी, डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी ए, देयरफॉर एंगल बी सी ए इज 45 degree, राइट। अब आप देखिए बच्चे, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ए बी is parallel to DC, therefore AB is equals to DC, तो AB बी कितनी है 7, therefore DC क्या हो जाएगी हमारी 7, ऑल राइट। और AD किसके पैरलर में है बच्चे, BC के पैरलर में, therefore AD किसके इक्वल है, BC के, ये भी पता लग गया, अगर हम इस ट्राइंगल में बी सी निकाल दे तो वो इधर हो जाएगी, गॉट इट। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इस ट्राइंगल में अगर हम ये निकाल दे तो ये इसके इक्वल होगी क्योंकि पैरलर है, है ना, सो इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेन 45 degree का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चे, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस आपका बी सी है, टेन 45 क्या होता है 1, ए बी आपको गिवन है 7, बी सी सेम एज इट इज, है ना, अब बी सी क्रॉस में चली जाएगी तो इधर क्या रह जाएगा 7 meters, therefore बी सी क्या आई आपकी 7, ये 7 है तो ये भी 7, हाउ, बिकॉज हमने यहाँ देखा था, देयरफॉर एडी क्या हुई आपकी 7, एडी 7 है तो इस ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर निकाल लें, हाउ, सी इन
ट्राइंगल ई ए डी। ई ए डी में भी हम टेन सिक्सटी यूज़ कर लें बच्चे, परपेंडिकुलर ई डी चाहिए, बेस ए डी, ए डी गिवन आया है हमें 7 है, देयरफॉर 1060 डिग्री इज रूट 3, ई डी निकालना है, ए डी आपका 7 है, 7 रूट 3 आपका क्या आ गया बच्चे, ई डी। ऑल राइट, ये 7 रूट 3 आया है। अब आ जाइए क्या हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर निकालनी थी आपको, हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है, ई सी जो हमें फाइंड आउट करनी थी, और ई सी किस का डिवीजन हुआ है, ई डी प्लस डी सी। ई डी आपके पास है, जस्ट हमने निकाली है 7 root 3, एंड डी सी आपके पास है 7, हाउ बिकॉज इट इज इक्वल टू दिस साइड 7। ऑल राइट, तो इसमें बच्चे 7 कॉमन ले लीजिए, रूट 3 प्लस 1, दिस इज योर ई सी आंसर। ऑल राइट, सो क्वेश्चन 12 इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड, अटेम्प्ट इट वेरी केयरफुली। नाउ बच्चे आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन 16 सेज यू द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स। एक आपको टावर गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 meter एंड 9 meter फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर के बेस से एक 4 meter दूर है और एक 9 meter दूर है, लेट इट इज द पॉइंट, ये पूरा 9 meter है, ये 4 meter है। ऑल राइट, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं, हुज सम इज 90 degrees। ओके, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, देयरफॉर ये जो दो एंगल हैं ये चाहे कुछ भी इनका सम क्या है 90 degree का है। ओके, तो इफ वन इज थीटा तो ये कितना होगा बच्चे, 90 minus theta, गॉट इट, दोनों का सम 90 है, बाय चांस एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 minus theta, 90 का दोनों का सम है तो 90 माइनस हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री को बच्चे ध्यान से समझिएगा, सप्लीमेंट्री होते हैं सम 180, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 है। ओके, नाउ प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 meters, आपको प्रूव क्या करना है, दैट दिस हाइट, टू प्रूव लेट इट बी ए बी एंड व्हाट, दिस इज ए बी, दिस इज पी एंड क्यू। ऑल राइट, ओके, सो टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू 6 meters, राइट, लेट्स डू आवर क्वेश्चन। जो जो बच्चे आपको गिवन है आप लिख लीजिए, गिवन टू यू इज पी बी, राइट, पी बी इज 4 meters एंड दिस होल बी क्यू इज 9 meters, फाइन एंगल ए पी बी हमने अभी क्या लिया है, थीटा, एंड एंगल ए क्यू बी क्या लिया हमने, 90 minus theta, परफेक्ट। टू प्रूफ आपको पता लग गया, गिवन आपको पता लग गया, लेट स्टार्ट विद द प्रूफ, ध्यान से देखते जाना बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझोगे तो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हम ये वाला ले लें, राइट, इन ट्राइंगल ए बी पी, राइट, इसमें क्या है बच्चे, दिस इज, क्योंकि हमारे पास यहाँ थीटा भी नहीं है इसलिए हम टेन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ए बी अपॉन बी पी, राइट, दैट इज ए बी बाय 4, बी बी 4 ही है, लेट दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव टू इन ट्राइंगल द अदर ट्राइंगल बिगर वन ए क्यू बी, वहां पर भी सेम होगा 10 90 माइनस थीटा इज व्हाट, ए बी परपेंडिकुलर, बेस क्या है, बी क्यू, राइट,
अब 90 माइनस थीटा को हम कैसे लिखते हैं बच्चे, आपको स्टार्टिंग में याद हो चैप्टर 8th में हमने क्या किया था, रेशियोज। तो जो एंगल है टेन 90 माइनस थीटा चेंज होकर क्या बन जाता है, कोट थीटा, और ये क्या हो जाएगा ए बी, बी क्यू आपका क्या है 9, राइट। और कोट को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 9। अगर दोनों ही साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दे, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, राइट, तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू 9/AB, गॉट इट, दिस इज योर सेकेंड, राइट बच्चे। इस ट्राइंगल से हमने ये इक्वेशन बना लिया। नाउ लुक एट बोथ द इक्वेशंस, दिस इज 10 थीटा इज ए बी बाई 4 एंड दिस इज 10 थीटा इज 9/AB। सो फ्रॉम 1 and 2 योर ए बी अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9/AB बिकॉज बोथ आर इक्वल्स टू 10 थीटा। सॉल्विंग क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इधर चला जाएगा तो ए बी स्क्वायर, और ये 9 into 4 36, स्क्वायर रूट करेंगे बच्चे 36 की 6। आर यू रेडी विद योर आंसर, येस, टू प्रूफ वी हैव प्रूव्ड, देयरफॉर जो हाइट ऑफ द टावर है दैट इज योर 6 meters। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली, बिकॉज दिस चैप्टर कंटेन्स ओनली 1 exercise। सो बच्चे अच्छे से एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। बिफोर गोइंग टू एग्जाम जस्ट गिव अ लुक टू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव डन, आप अपने मैनुअली भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ओके, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू।